गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छी खबर क्रिकेट फैंस, भारत के क्रिकेट फैंस के लिए, और वो ये है कि जो पहेली थी कि केदार जाधव फिट होंगे कि नहीं होंगे, वो अब सुलझ गई है। यानी कि केदार जाधव को भारतीय टीम के फिजियो पैट्रिक फरहत ने क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो फिट हैं और वर्ल्ड कप जाएंगे। आपको याद होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए आखिरी लीग मैच में वो गिर गए थे बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए और शोल्डर पकड़कर बाहर चले गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि वो जो आखिरी का एक हफ्ता है उस नॉकआउट में वो नहीं खेलेंगे, वो नहीं भी खेले क्योंकि ये सस्पेक्ट था कि पता नहीं शोल्डर की इंजरी कितनी सीरियस है। हालांकि ये उसी वक्त पता चल गया था, ना तो ये टियर है ना ही ये फ्रैक्चर है, सोरनेस थी उसमें, स्वेलिंग आ गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम फिजियो पैट्रिक फरहत और केदार जाधव ने काम किया है और अब टीम के जाने के कुछ दिन पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि केदार जाधव फिट हैं। और मुझे लगता है कि भारत टीम के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि एक ऐसा बैलेंस लेकर आते हैं वो टीम में। नंबर 6 बैटिंग करेंगे, बैटिंग के अलावा जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, और ये नहीं कि इंग्लैंड की पिचेस पर वो बड़े असरदार गेंदबाज होंगे लेकिन भारत को बैलेंस देते हैं क्योंकि चार गेंदबाज भारत खिलाएगा, एक हार्दिक पांड्या को खिलाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर किसी एक गेंदबाज, मसलन हार्दिक पांड्या से 10 ओवर आप नहीं डलवा सकते, तो हमने हाल फिलहाल में भी देखा है कि विराट कोहली केदार जाधव से गेंदबाजी कराते हैं। हालांकि इन पिचेस पर, इंग्लैंड की इन पिचेस पर जो सपाट हैं, आपने इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज भी देखी, फिंगर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है। कभी यहाँ से गेंद फेंकते हैं, कभी ऊपर से फेंकते हैं और गेंद स्लो फेंकते हैं, तो इस लिहाज से गेंदबाज के तौर पर तो ठीक है लेकिन जो टीम को बैलेंस चाहिए था, नंबर 6 पर एक ऑलराउंडर चाहिए था, उस लिहाज से केदार जाधव का जाना टीम के लिए अच्छी खबर है। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर केदार जाधव नहीं जाएंगे तो किसको लेकर जाया जाएगा। अब बाती राइडू और ऋषभ पंत दो ऐसे बल्लेबाज थे जो स्टैंड बाई थे, लेकिन बैलेंस की बात आ जाती थी क्योंकि इस टीम में हार्दिक पांड्या को छोड़ दें या कुछ हद तक विजय शंकर को छोड़ दें और केदार जाधव, इसके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो गेंदबाजी भी कर सकता है, तो फिर विराट के लिए ये अच्छी खबर। इस वक्त सारे खिलाड़ी, तकरीबन हर खिलाड़ी को अगर आप देखें तो आराम कर रहा है, जाने से पहले आराम कर रहा है क्योंकि भारत को वहां जाकर 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं। आईपीएल का एक लंबा सीजन था और इस लंबे सीजन में कुछ एक बातें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि आपके गेंदबाज, स्पेशली तेज गेंदबाज बुमराह, शमी, भुवनेश्वर, वो अच्छी फ्लो में है। हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर के तौर पर अच्छा अपने आप को प्रूव किया है। दिक्कत थोड़ी सी कुलदीप यादव को लेकर थी लेकिन कुलदीप को भी अब आराम मिला है। और आप ये ना भूलें कि कुलदीप जब पिछले साल इंग्लैंड गए थे इन्हीं पिचेस पर, तकरीबन इन्हीं पिचेस पर उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नचाया था, तंग किया था, लेकिन अब कुलदीप यादव किस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। उसके अलावा चहल ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, जडेजा ने अपने आप को प्रूव किया है, तो केदार जाधव के आने से जो टीम को बैलेंस चाहिए था वो मिल गया है। और राहत की बात कहें या फिर अच्छी बात कहें, कम से कम यह है कि आपको अब पीछे नहीं देखना पड़ेगा कि भाई ये खिलाड़ी इंजर्ड है, इसकी जगह किसको लेकर जाएं। हालांकि केदार जाधव का जो थोड़ा सा इतिहास है वो आपको बैकफुट पर रखेगा, वो बैकफुट पर इसलिए रखेगा क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा उनकी दोनों हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, पहले एक फिर दूसरी, और इसीलिए शायद उन्होंने इस आईपीएल में गेंदबाजी नहीं की या धोनी ने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, शायद वो अपनी हैमस्ट्रिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। और चूंकि आपने 9 लीग मैच खेलने हैं, 9 लीग मैच आसान नहीं होता खेलना, कभी 3 दिन का आराम है, कभी 4 दिन का आराम है, तो केदार को अपने आप को फिट रखना होगा और ये टीम मैनेजमेंट की भी शायद सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि केदार फिट रहें। तो इस वक्त पूरी ताकत के साथ भारत जाएगा, कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है और ये किसी भी टीम के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इंडिया या फिर बाकी टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो भी इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज पर नजर रख रहे होंगे क्योंकि वहां पर दोनों टीमें 300-350 बनाती हैं और फिर चेस भी हो जाता है। और आपने देखा है कि वहां पर जो मीडियम पेसर्स हैं वो नहीं चल रहे, या तो बहुत तेज हो क्योंकि मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, और जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनको भी ज्यादा मदद नहीं मिल रही। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत के पास 2 अच्छे रिस्ट स्पिनर्स हैं, चहल और कुलदीप, और अगर इनका इस्तेमाल करते हैं प्लस जैसे केदार जाधव आके बॉल डाल देते हैं तो हो ना हो भारत की गेंदबाजी सारी टीमों में आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट होगी, इफ नॉट द बेस्ट। तो तैयारी है, 21 तारीख को खिलाड़ी मुंबई इकट्ठे होंगे, उसके बाद 22 सुबह सुबह वो वहां से निकल जाएंगे। तो विराट को अब ये चिंता नहीं है कि मेरे पास एक ऑलराउंडर नहीं है, उनके पास केदार जाधव फिट है। स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाइए।
यह भी है कि स्पोर्ट्स तक पर आपको इस वर्ल्ड कप में ऐसी कवरेज मिलेगी जो शायद आपने सोची नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, माइकल क्लार्क, ये इंग्लैंड से सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ लाइव रहा करेंगे। उसके अलावा वसीम अकरम, विविन रिचर्ड्स, शेन वॉन, ये भी वक्त वक्त आपके साथ होंगे। तो स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज और जो बाकी खबरें वर्ल्ड कप के मुतालिक आती रहेंगी वो आपको तभी पता चलेंगी अगर आपने नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन को प्रेस किया होगा। टीमों का रिव्यू, बस दो दिन का और इंतजार, तकरीबन हर टीम का रिव्यू होगा, किस टीम की क्या ताकत है, किस टीम की क्या मजबूरी है।